मुख्य और राज्यसभा सांसद मदनलाल सैनी ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मदनलाल सैनी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका निधन हो गया, जिसके बाद एम्स में ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत दूसरे नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी उन्हें एम्स जाकर श्रद्धांजलि दी। इस बीच राजस्थान के कोटा से सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मदनलाल सैनी के निधन पर दुख जाहिर किया। दुखद घटना है, पूरे राजस्थान को इस दुख की घड़ी में शोक व्याप्त। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मदनलाल सैनी के निधन पर दुख जाहिर किया। मदनलाल सैनी का पार्थिव शरीर जयपुर के बीजेपी ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके लिए रात में ही उनका पार्थिव शरीर जयपुर के लिए रवाना किया गया। इस बीच जोधपुर से बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मदनलाल सैनी के घर वालों को सांत्वना देते दिखाई दिए। दिवंगत शरीर को यहाँ वहाँ जयपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आम लोगों के दर्शनार्थ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दर्शनार्थ रखा जाएगा। जयपुर के बाद मदनलाल सैनी का पार्थिव शरीर सीकर ले जाया जाएगा, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार सीकर में संपन्न होगा लगभग दोपहर में 3 बजे। मदनलाल सैनी के निधन से पूरे राजस्थान में शोक की लहर है। उनके घर पर सन्नाटा पसरा है, तो वहीं उनके साथ काम करने वाले नेता बेहद दुखी हैं। जब उनके नेतृत्व में हम दोबारा राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत के आए, इस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष का जाना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा आघात है।